दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा में अब तक 531 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 47 मामले आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं, जबकि हिरासत या गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 1647 हो गई है। उधर मंगलवार को दिल्ली के GTB अस्पताल में जमालुद्दीन नामक व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया। इसी के साथ हिंसा में मृतकों की संख्या 49 हो गई है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन व विरोध के दौरान यह हिंसा भड़की थी। उसके बाद इलाके में शांति बहाली के प्रयास लगातार जारी हैं।